चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, आपको आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। सामाजिक विज्ञान क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए जाके बता रहे हैं इस वीडियो में, और भी ये वीडियो में आता रहेगा मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तैयारी करते रहिए, बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का, उपभोक्ता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए, चलिए बताइए आप लोग। सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं। नंबर एक, कानून उपाय। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए भारत सरकार ने सन 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया। इस कानून के द्वारा राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर 3 स्तरीय उपभोक्ता अदालतों का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राज्य स्तर पर इसे राज्य आयोग तथा जिला स्तर पर इसे जिला मंच कहा जाता है। इस अधिनियम में 1991 और 1993 में संशोधन करके कानून को और कड़क बनाया गया ताकि उपभोक्ता शिकायतों का जल्दी और बेहतर निपटारा हो सके। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसे सूचना पाने वा अधिकार के नाम से जाना जाता है। यह सभी नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के लिए के अधिकार को सुनिश्चित करता है। नंबर दो है प्रशासनिक उपाय। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा करके कालाबाजारी, जमाखोरी तथा मुनाफा वसूली को रोकने का प्रयास किया जिससे उपभोक्ताओं का शोषण ना हो। नंबर थ्री, तकनीकी उपाय। तकनीकी उपाय में सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं का मानकीकरण करना शामिल है। इसमें विभिन्न चीज़ों की गुणवत्ता की जांच करके एक बार हुआ ISI की मोहर लगाई जाती है। अब उपभोक्ता के लिए विभिन्न उत्पादों की खरीद के समय इन प्रमाणित चिन्हों का को देखना संभव है। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का विस्तार वर्णन कीजिए, चलिए बताइए आप लोग। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारत में वैश्वीकरण के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। इसका संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। सकारात्मक प्रभाव, वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं की समझ पहले से अधिक विकल्प है और वे अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। ये लोग पहले की तुलना में उच्चतर जीवन स्तर का प्रयोग कर रहे हैं। नंबर दो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में माल और सेवाओं में किया जाने वाला निवेश भी उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है। 1991 से अब तक यह निवेश बढ़ता जा रहा है। नंबर दो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उपभोक्ताओं, वस्तुओं और सेवाओं में निवेश किया है। विदेशी निवेश भी इन्हीं उद्योगों और सेवाओं में हुआ है जिसमें निर्यात वृद्धि की संभावना है। दूसरा है नकारात्मक प्रभाव। इसके कुछ नकारात्मक पक्ष निम्नवत है। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों को जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों का रोजगार लंबे समय के लिए सुनिश्चित नहीं है। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वही वे अब स्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन ना देना पड़े। दूसरा है श्रमिकों से बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम लिया जाता है, मजदूरी काफ़ी कम होती है। श्रमिकों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय में काम करना पड़ता है।
ऊर्जा के गैर नष्टागत चार स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत चार स्रोतों का वर्णन निम्न प्रकार है। सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। नंबर दो, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेतों में सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र आदि में किया जाता है। नंबर तीन, बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अवशेष, पशुओं और मानव जनित अवशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस संयंत्र नगर पालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। नंबर चार, जलीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ पथ द्वारा बनाकर बांध लगाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और बंद द्वार होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की ओर बहाया जाता है, जो ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। इससे विद्युत बनती है। नंबर पाँच, भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश में दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। नंबर चार, जियोथर्मल ऊर्जा। हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी के चश्मे से यह पैदा की जाती है। इसका प्रयोग ठंडे भंडार के केंद्रों में किया जाता है।